विवेक जी, मैं आपको पुराने पुल की स्थिति दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है। ये जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, ये हर 6 महीने 3 महीने पे बैरिकेटिंग यहाँ लगा दी जाती है कि मार्ग परिवर्तित है। कोई व्यक्ति अगर रात में आए तो कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। इस पर ना रेडियम लगा है और ना ही कोई चीज़ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो बीच में लगाया गया है, ये जो बीच में देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए लगाते हैं कि भारी वाहन ना घुस पाए, लेकिन ये भी कभी कभी टेढ़ा करके लोग निकलने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ इसलिए लगता है कि रोड हमेशा मरम्मत, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे रोड मरम्मत का कार्य ACPL टोल प्लाजा के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसमें पूरी तरीके से हम सरकार से यह मांग करेंगे कि टोल की वसूली तत्काल बंद कर दी जाए, जब तक वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को पूरे तरीके से 100% सही न कर दिया जाए। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे अब रोड का टेंडर हुआ था। आप जो है वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पे जो वैष्णो मंदिर के पास जो पुल डैमेज हुआ है, ये भी पुल डैमेज है जी, उससे ट्रैफिक का फ्लो ओबरा से भर गया है। सीधे आप समझिए कि वो गजराज नगर से होते हुए डाला मोड़ से होते हुए गाड़ियां का आवागमन हो रहा है इस समय। वो चाहे बस हो, मुझे लग रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 1000 गाड़ियों का आवागमन बढ़ा है। उस रोड की स्थिति क्या होगी जो स्टेट हाईवे जिला खनिज निधि से वह रोड बनाया गया है, उस रोड की भी स्थिति हमें लग रहा है आगामी 6 महीने अगर उस रोड से मार्ग का आवागमन हुआ तो स्थिति खराब हो जाएगी। 100 साल बाद वो रोड का निर्माण हुआ है, वो की रोड की स्थिति काफी दयनीय थी पहले। स्थानीय जनता कई बार आंदोलन की तब जाके उस रोड का निर्माण हुआ, ठीक है। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार को इस प्रकरण में संज्ञान लेना चाहिए और शासन स्तर की टीम से इसकी जांच करानी चाहिए इस पुल की। ये स्थानीय एक जो आप वैष्णो मंदिर के पास पुल बनने में जो विलंब हो रहा है दूसरे साइड का रेलवे के द्वारा, उसके द्वारा उसके पहले इधर वाला बनने में विलंब हो रहा था, बनने के बाद इसमें रेलवे विवेक जी, मैं रेलवे का एक पत्र आपको देता हूं जिसमें रेलवे ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मैं अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक इस पुल का कार्य प्रारंभ कर दूंगा, मतलब इस पुल से आवागमन हो सकता है। वो मैं पत्र आपको उपलब्ध करा दूंगा जिसमें रेलवे ने लिखित तौर पर दिया है कि उसमें रेलवे का रेलवे की वजह से इस वजह से थोड़ा सा आगे रेलवे ने स्टेट को चिट्ठी लिखी है, जो काम हुआ है जैसे क्रैक आ गया है, ये जो है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात कह सकते हैं। हम ये कह रहे हैं जिस पुल पर हजारों गाड़ियों का खनन क्षेत्र की गाड़ियों का आवागमन है, उस पुल को क्यों ना एकदम जीरो टॉलरेंस, हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री जी की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ योगी जी और मोदी जी इज द बेस्ट, उनसे अच्छा CM और PM हमें नहीं मिल सकता है, लेकिन जो अधिकारी जो उनके तक सूचना पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। उस वो कभी सही शासन स्तर पे कोई रिपोर्ट ही नहीं देते हैं, यहाँ की समस्याओं को बताते ही नहीं हैं। चौपन पुल पे इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, अगर यहाँ के माननीय जिलाधीश माननीय जिलाधिकारी महोदय स्तर से कमिश्नर महोदय के अगर रिपोर्ट के द्वारा अगर शासन स्तर पे अब बात जाए तो मुझे नहीं लगता है कि एक सप्ताह के भीतर शासन स्तर की टीम यहाँ जांच करने नहीं आ सकती है। लेकिन कोई भी, सब लोग कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं, किसी को कोई चीज़ से मतलब नहीं। अवैध खनन यहाँ की संपदाएं लूटी जा रही हैं। अभी अभी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे कि ये जो आगे जो ये पुल दिख रहा है ना इसो नदी का, तो इस पे डबल लेन आपको दिख रही है, लेकिन जो एक लेन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सिंगल हो जाती है और इस पर से भारी वाहन नहीं जाते हैं। अभी इधर से अगर आप देखेंगे, इस साइड से अगर आप देखेंगे, तो जो वाहन आ रहे हैं वह भारी वाहन सिर्फ एक जो नया वाला पुल है उस पर चले जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत कंजेशन बढ़ जाता है और कंजेशन बढ़ने की वजह से दिमाग में एक एक्सीडेंट का मतलब क्या कहते हैं भाव आता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका कुछ समाधान सरकार निकाले, अन्यथा यह एक तनाव की स्थिति बनी रहेगी और वाहनों का जो आवागमन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पर जब यह पुल बना था तब आवागमन जो रहा होगा उसका कम से कम 10 गुना हो गया है। तो बहुत जरूरी है कि इस विषय पर सरकार ध्यान दे और इस पर त्वरित ध्यान दे, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो जो घटना कल घटी है ऐसी घटनाओं का एक अंबार लग जाएगा, सिलसिला बन जाएगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस पर जल्दी से जल्द कोई समाधान और कोई निर्णय ले। कुछ आप कहना चाहेंगे? अभी आगे चलते हैं तो और जो है पुल की क्या मरम्मत चल रही है वह हम दिखाने की कोशिश करते हैं।